सरोकार। तेलंगाना में पीएम मोदी आज रामागुंडम में उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल की जनता से वोट डालने की अपील की। विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग शुरू। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का रामपुर दौरा आज। पसमांदा समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे ब्रजेश पाठक। अलीगढ़ में एवीवीपी के कार्यकर्ताओं का हंगामा। कई कार्यकर्ताओं ने वाइस चांसलर कार्यालय का किया घेराव। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा। रोडवेज बस और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत। मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। खबर अलीगढ़ से है, जहां एवीपीपी के कार्यकर्ताओं ने जल्द परीक्षा के विरोध में आरएमएसयू के वाइस चांसलर कार्यालय का घेराव किया। दरअसल पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कार्यालय का है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ताओं ने वाइस चांसलर कार्यालय का घेराव कर दिया और वाइस चांसलर के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अभी तक कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है, लेकिन वाइस चांसलर द्वारा परीक्षा की तिथि 15 नवंबर घोषित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी छात्रों ने ठीक से पढ़ाई भी शुरू नहीं की है, तो छात्र परीक्षा कैसे दे पाएंगे, और जमकर नारेबाजी की। वहीं आवापी कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए धरने के बाद वाइस चांसलर द्वारा परीक्षा के 15 दिन बढ़ाते हुए परीक्षाओं को 30 नवंबर से शुरू कराने की बात कही गई है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर द्वारा अलीगढ़ इसी साहब का घेराव किया गया था, जिसमें हमारी मांग थी कि अभी तक महाविद्यालयों में एडमिशन प्रक्रिया जारी है, उसको देखते हुए एक तो उसको कॉलेज छात्रों को 90 दिन की पढ़ाई करने के बाद उन्हें परीक्षा देने का अधिकार होता है, जबकि अलीगढ़ बीसी द्वारा ऐसा नहीं किया गया कि कल तक भी एडमिशन चल रहे हैं, आज भी एडमिशन चल रहे हैं 4 दिन में, और 15 तारीख से इन्होंने पहले परीक्षाएं घोषित कर दी थी कि हम 15 नवंबर से परीक्षाएं कराना स्टार्ट करा देंगे। बच्चों को परीक्षा तिथि बढ़ाने के संदर्भ में बच्चे आए थे और मैंने परीक्षा की तिथि बढ़ा करके 1 दिसंबर 2022 से प्रारंभ की। सर मतलब 15 दिन बढ़ा दिए गए? संतुष्ट हैं सर छात्र छात्राएं? नहीं नहीं, छात्र संतुष्ट हैं, अब संतुष्ट होकर के यहाँ से गए हैं। ठीक है, ठीक है। ईडी की टीम मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर लगातार शिकंजा कस रही है। ईडी की अर्जी पर कोर्ट ने आदेश जारी किया है। बता दें कि अपर जिला जज अनिरुद्ध प्रसाद तिवारी ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में अब्बास अंसारी को ईडी की कस्टडी में और 6 दिनों के लिए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपित को 18 नवंबर की दोपहर 2 बजे तक कस्टडी में पूछताछ के लिए सौंपा जाता है। बाकी आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच अभी भी जारी है।
अलीगढ़ में किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती ने थाना क्वारसी में ट्रांसजेंडर सेल का उद्घाटन किया। इस दौरान थाने का समस्त स्टाफ और अन्य लोग मौजूद रहे। उसके बाद सोनम चिश्ती ने अलीगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें किन्नरों की समस्याओं को लेकर तमाम बिंदुओं पर निर्देश दिए गए। इस दौरान उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती ने कहा कि आज के समय में देखिए, जब पुरानी पेंशन खत्म हो गई और भी चीजें खत्म हो गई हैं, तो नेताओं, सांसदों की, विधायकों की पेंशन भी बंद होनी चाहिए। सांसदों की, विधायकों की जो पेंशन मिलती हो बंद हो, इससे क्या इंपैक्ट होगा? क्यों नहीं है? जब पुरानी पेंशन बाहर खत्म हो गई, हमारे देश के आईएएस आईपीएस भी तो नहीं पा रहे हैं ना, अब तो इनको भी नहीं मिलनी चाहिए, इनको नेता को भी नहीं मिलनी चाहिए। आप इसके पक्ष में? मैं पक्ष में हूँ, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी देश के प्रधानमंत्री बने, ये सभी उत्तर प्रदेश किन्नर समाज का आशीर्वाद है। तो क्या जब ही मुमकिन होगा ये? हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कलयुग के राम हैं। हरदोई के शाहबाद इलाके में एक तेज रफ्तार सीएनजी कार में भयंकर आग लग गई, जिसमें कार सवार दो लोगों ने कूदकर अपनी अपनी जान बचाई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है। वहीं भयंकर आग लगने से हाईवे पर दोनों ओर भारी जाम लग गया। वहीं पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। हालांकि थोड़ी देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। रायबरेली में ईंट लादकर जा रहे ट्रैक्टर ने रोडवेज की हुई भीषण सड़क टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। टक्कर लगने से बस के परकच्छे उड़ गए। दुर्घटना में 9 अन्य यात्री घायल हो गए, जिसमें 4 की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। मामला बछरावा थाना इलाके का है, जहां लखनऊ से फतेहपुर जा रही आलमबाग डिपो की बस बछरावा लालगंज मार्ग पर नंदा खेड़ा के पास ईंट लादकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के आगे का हिस्सा बिखर गया। दुर्घटना में बस पर सवार घायल 10 यात्रियों को सीएचसी लालगंज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने फतेहपुर निवासी युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रायबरेली में लालगंज कोतवाली क्षेत्र के खजूर गांव में शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 घरों में भयानक आग लग गई। आग लगने की वजह से मकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से टीम ने आग पर काबू पा लिया। फतेहपुर में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां जमीनी विवाद में जमकर लाठी डंडे चले हैं। वहीं हमले में महिलाएं बुरी तरह घायल हो गई हैं। वहीं घायल महिलाओं ने पुलिस पर मुकदमा ना लिखने और सुलह समझौता का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। बता दें कि लाठी डंडों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और घायल महिलाएं पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगा रही हैं। उसमें झगड़ा कर रहे हैं सूर्य भान उदय भान, दोनों ने झगड़ा करके लाठी डंडा लेके हमारे घर में चढ़ाई किया है। उन्होंने, हम थाने गए, वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई, इसलिए हम यहाँ आए हैं थाने फतेहपुर। चोट आई है हमारे बहन के, हमारे भी हाथ पैर तोड़ दिए हैं। को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडे चले हैं, हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं दबंगों के। बता दें कि लाठी डंडों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं घायल महिलाओं ने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए हैं।
प्रयागराज में लगातार डेंगू के डंक से पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर दिन लोग डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टरों का मानना है कि डेंगू होने पर अगर सही समय पर इलाज ना कराया जाए तो मरीज की जान जा सकती है। कुछ लोग बुखार आने पर डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन डेंगू होने पर ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है और प्लेटलेट्स काउंट तेजी से घट सकता है। मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय के मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान कहते हैं कि कुछ लोग शरीर में दर्द, सिरदर्द जैसी दवा लेते हैं, लेकिन इससे इंटरनल ब्लीडिंग होने के साथ प्लेटलेट काउंट तेजी से गिर सकता है। खास बात यह है कि डेंगू एक वायरल फीवर है और इसमें एंटीबायोटिक दवा भी नहीं लेनी चाहिए। बुखार में तेज बुखार, सरदर्द, बदन दर्द और होता है, जिसके लिए लोग जल्दी से रिलीफ पाना चाहते हैं। डेंगू के बुखार में चूँकि प्लेटलेट्स तेज़ी से गिरता है, इसलिए जो दवाएं प्लेटलेट्स को कम करती हैं, जैसे स्टेरॉयड, निमोसलाइड, आइबुप्रोफेन, डिस्प्रिन नहीं लेनी चाहिए। केवल पैरासीटामॉल 650 mg, अगर वेट ज़्यादा है तो, वेट 50 से कम है तो 500 mg, ये दवा जो है सबसे ज़्यादा सेफ़ है, सुरक्षित है और आसानी से अवेलेबल है। इसको 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय हमारे सामने आ रही है डेंगू की समस्या में बुखार आने पर दवाइयों का सेवन करते हैं, तो रोनी हुई दशा में ऐसी कई दवाइयां होती हैं जिनका सेवन करना बहुत हानिकारक होता है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति को आजकल बुखार चढ़ता है या डेंगू होता है तो व्यक्ति पेन किलर्स का सेवन करता है, और पैरासीटामॉल के अलावा जो दूसरे पेन किलर्स आते हैं जो खाने में बहुत ज़्यादा आराम मरीज को देते हैं, तो मरीज को ये लगता है कि मुझे बहुत आराम हो गया, लेकिन वास्तविकता में ये पेन किलर्स जो शरीर की ब्लीडिंग टेंडेंसी है उसको कम करते हैं और प्लेटलेट की संख्या पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिससे शरीर में सामान्य से कम प्लेटलेट होने पर भी ब्लीडिंग टेंडेंसीज देखी जाती है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।